हार्दिक की बात आपने छेड़ी है तो एक बड़े प्रज्वल जी एक बड़ा अच्छा बात पूछ रहे हैं कि लेट मी नो सर हार्दिक इज नॉट फुल्ली फिट और नॉट, हार्दिक इज फुल्ली फिट और नॉट पूछ रहे थे, टाइपो एरर है उनका, हम भी करते रहते हैं ऐसे टाइपो एरर खूब, जहां पे नॉट लिखना चाहिए नहीं लिख पाते, भूल भाल जाते हैं। इतने मंथ से फिटनेस पर काम कर रहे हैं, क्या हो गया इतनी जल्दी? सिर्फ दिखाने के लिए स्टार्टिंग मैचेस में बोलिंग डाल रहे थे क्या हार्दिक? बहुत ही अच्छा सवाल है प्रज्वल, ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका खुलासा जो है वो कर नहीं रहे। उन्होंने हैमस्ट्रिंग की चोट की बात की थी, हैमस्ट्रिंग से उभर गए और उनसे जब पूछा गया था दो मैचेस पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि बॉलिंग क्यों नहीं की, तो उन्होंने कहा था जरूरत नहीं पड़ी तो क्यों बॉलिंग करूं, जरूरत पड़ेगी तो देखूंगा, तो ये उन्होंने कहा था। तो खुद का बचाव हो सकता है कि वो पूरी तरीके से अपने आप से श्योर नहीं है, फिट तो वो है, खेल रहे हैं और गेंदबाजी करके वो रिस्क नहीं लेना चाह रहे क्योंकि अपने आप पर शायद उनको भरोसा नहीं है, कहीं कुछ क्रिच हो गया, क्रिच का मतलब कहीं कुछ टूटा गया, हिल गया कुछ, तो बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। एक मैच तो खेले भी नहीं थे वो, हाँ एक मैच खेले, इसमें राशिद खान ने कप कप्तानी की थी, वो फुल्ली फिट तो है लेकिन पूरी तरीके से मैच में चार ओवर पूरे 100% दमखम के साथ, ये बड़ा मुझे मुश्किल लग रहा है कि कहीं ना कहीं हार्दिक पूरी तरीके से शायद मेंटली और फिजिकली दोनों 100% नहीं है, वो मेंटल ब्लॉक है उनको, मुझे लगता है कहीं ना कहीं डर है क्योंकि इतने बड़े इंजरी से आया ना, डर होता है। मुझे भी नी का ऑपरेशन हुआ था जब मैं खेलता था, नी के ऑपरेशन के बाद आपको डर लगता है नी खिसक ना जाए, फिर से नी खिसक ना जाए, तो ये एक फियर जो होता है ना ये दिमाग में रहता है कितना भी रिहैब आप करके आओ। तो मुझे लगता है हार्दिक पर आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है कि क्या हार्दिक फिट है या नहीं, मुझे लगता है कि हार्दिक पूरी तरीके से फिट नहीं है, अगर फिजिकली फिट है तो मेंटल ब्लॉक उनका कहीं ना कहीं है, ब्लॉक समझिएगा ब्लॉक, डर फियर है उनके अंदर कहीं ना कहीं दिल में कि मैं उछल के तेज गति से बॉल करूंगा, मैं 100% दूं, मालूम चला मैं फिर से ब्रेक डाउन हो गया और अगले 6 महीने के लिए बाहर हो गया, तो पूरा का पूरा सीजन इंडिया का खेलने का जो मौका था बिल्कुल हाथ से निकल जाएगा यहाँ पर। हालांकि वो इसके साथ ये भी कह रहे हैं कि अभी उनका पूरा फोकस आईपीएल की तरफ है, लेकिन मुझे लगता है उनका फोकस आईपीएल की तरफ है, उनका जो फोकस है वो फोकस मुझे नजर आ रहा है कि उनको इंडियन टीम में आगे जाकर लंबे समय तक खेलना है, और इसलिए शायद वो उनके मन में एक डर है कि अगर अपनी चोट के बारे में अगर मैं रखूंगा बात तो लोगों को और फैंस को इतना खराब लगेगी कि आप आईपीएल क्यों खेल रहे हैं, अगर आप चोटिल हैं तो आपको आईपीएल नहीं खेलना चाहिए, आपको रेस्ट करना चाहिए और आपको जाके एनसीए में जाके ट्रेनिंग लेनी चाहिए, आपको रेस्ट करना चाहिए, आपको अपनी फिटनेस पे पूरा काम करना चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि शायद वो लंबे समय के बारे में सोच रहे हैं कि लंबे समय में आगे जाके जैसे रोहित शर्मा के बाद कौन कप्तानी संभालेगा, या शायद उनके मन में एक सवाल चल रहा होगा जिस तरह से वो कप्तानी कर रहे हैं गुजरात टाइटंस की, उनके दिमाग में शायद ये चीज बैठ गई होगी कि अगला कप्तान कहीं मैं ही ना बन जाऊं टीम इंडिया का, तो इसलिए वो जो है डर और वो अपनी चोट को यहाँ छुपा के बैठे हुए, चोट तो है उनके और वो अपनी चोट को छुपा के बैठे। जब गुजरात के तीन या चार मैच खत्म हो गए थे तो हमने उनको अपनी फिटनेस पर काम करते हुए देखा था, फिजियो उनके साथ में लगे हुए थे मैच के बीच में, तो वहां पे वो उनके शोल्डर में भी कुछ दर्द वगैरह था, तो कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या चोटिल हैं और वो इस डर से ये छुपा रहे हैं कि उनको कहीं चोट लगी है। और नहीं मोहित जो प्रज्वल हैं ये भी अच्छा सवाल पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं मैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूं और हमारे साथ बातचीत ये मैं चाहता हूं कि आप हम सब बात करें ना। बिल्कुल मैं चेतन शर्मा वर्ड बिल्कुल उन्होंने कहा था कि 100% जब फिट होंगे वो टीम में आएंगे वरना नहीं आएंगे, बिल्कुल गेंदबाजी तो बिल्कुल सही बात है। और आईपीएल से अभी तक हम पहले ही कह रहे थे कि शायद सिलेक्टर्स कन्विंस नहीं होंगे, आईपीएल में अगर पूरा बॉलिंग करते 14 मैचेस में तो कन्विंस होने के चांसेस थे, लेकिन डेफिनेटली बिल्कुल प्रज्वल आप सही कह रहे हो कि कहीं ना कहीं अभी चेतन शर्मा हो, सिलेक्शन कमिटी हो पूरी, तो वो कहीं ना कहीं अभी बिल्कुल आप एकदम 100% स्पॉट ऑन हो कि कहीं ना कहीं वो अभी जो है कन्विंस्ड नहीं होंगे कि हार्दिक पांड्या जो है वो फिट है इंडिया खेलने के लिए। और बिल्कुल आपकी बात सही है, हम भी उनके इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देख रहे हैं क्योंकि आईपीएल तो खेल ही रहे हैं, आईपीएल डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, तो ऐसे में आपकी असली जो नजरें होती हैं, मेन जो आपकी निगाहें होती है वो होती है आईसीसी ट्रॉफी पे, बड़े बायलैटरल सीरीजेस। और आप देखिए ना इन्होंने जो टीम में जगह बनाई है भारतीय टीम में वो आईपीएल के दम पे बनाई है, जब ये मुंबई इंडियंस से खेलते थे तब वहां से जब इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था आईपीएल से, तब वहां इन्होंने जो प्रदर्शन किया वहां ऑलराउंडर के तौर पे इनको पहचान मिली और उसी तरीके से फिर इनको टीम में लिया गया। इनके बड़े भाई जो कुणाल पांड्या है वो भी आईपीएल की देन है, मुंबई इंडियंस की देन है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लंबा लंबा समय हो गया हार्दिक पांड्या के पास चोट को छुपाने का, और ये एक फेज ऐसा आ रहा है कि हार्दिक पांड्या दिखा रहे हैं कि हाँ मैं गुजरात टाइटन का कप्तान हूं और मैं वो सब चीजें कर सकता हूँ जो रोहित शर्मा कर सकते हैं, जो धोनी कर सकते हैं, और शायद यहाँ से एक बड़ा नाम मेरे साथ दिमाग में बड़ा नेम फेम अगर मिलता है तो इसका फायदा आगे इंडियन टीम में होगा, क्योंकि वो एक आपके पास एक कहने के लिए एक सबूत हो जाएगा कि मैं गुजरात टाइटंस का कप्तान रह चुका हूं और मैंने अपनी टीम को यहां तक पहुंचाया है। तो ये एक फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू के प्लान से मुझे ऐसा हार्दिक का प्लान लगता है, लेकिन वो चोटिल हैं और वो अपनी चोट को छुपा रहे हैं।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।